अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो बस जी करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और बस शदीद गर्मी, अल्लाह ताला सब पे अपना फजल व करम फरमाए। और इस गर्मी में अल्लाह ताला जो है वो हमारे फ़लस्तीन के बहन भाई, मुसलमान बहन भाइयों पर अपना खास फजल व करम फरमाए। बस यही सोचें कि अगर ये सिचुएशन हमारे साथ है तो उनके साथ पता नहीं क्या बनता होगा और क्या करबला और क्यामत हेज़ जो है सिचुएशन में उनका क्या कोई पुरसाने हाल है या नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा। बस ये चीज़ें सोच के बड़ी दिल को तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला तमाम जो है मुसलमान और तमाम जो है वो दुनिया के लोगों को, तमाम ममालिक में अल्लाह ऐसा कोई रहम डाले कि उन लोगों का भी कोई एहसास करने वाला कोई मसीहा कोई मोहसिन अल्लाह ताला जो है ना वो ज़िंदा करे और उन लोगों पे अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल फरमाए और अल्लाह ताला जो है उनकी गैबी मदद फरमाए। तो गर्मी की सिचुएशन इतनी समझे कि संगीन है कि जानवर जो हैं वो भी इतने मुतासर हैं और काफ़ी जो चिड़िया और परिंदे इस तरह के उड़ने वाले जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और ये भी सुनने में आया कि मारगला के पहाड़ों पे जो है वो गर्मी की शदीद गर्मी की वजह से जो है वो आग लगी है, काफ़ी जंगलात का नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इसकी असल जो काज है वो क्या है, क्या कोई टिम्बर माफिया है या अल्लाह की तरफ से है। बहरहाल जो भी अल्लाह ताला अपने फजल व करम से जो है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए। और जो है साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि वापटा की सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और बिजली के जो है वो ट्रांसफार्मर्स भी जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और पता नहीं क्या सिचुएशन होती होगी। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और अल्लाह ताला सब पे अपना फजल व करम फरमाए और सब पे रहम फरमाए। और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ने हम पर कितने फजल फरमाए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला ने कितने हमारे ऊपर जो है अल्लाह के एहसान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। हमसे पहले जो मुसलमान गुजरे हैं वो कितना उनके लिए मुश्किल था, उनके लिए नमाज़ें पढ़ना और अल्लाह का ज़िक्र करना और दीगर चीज़ें करना कितना मुश्किल था, अपने आप को मुसलमान जो है बताना और बहसियत मुसलमान रहना कितना मुश्किल था। हज़रत बिलाल हबशी का देखा जाए तो वो इतनी तपती गर्मी में और इतने सख्त गर्मी शदीद गर्मी में और मजालिम का शिकार होने के बाद फिर भी अल्लाह का कलमा जो है उन्होंने अपनी ज़ुबान पर जारी रखा। और जो है साथ साथ ये है कि जितने भी मुसलमान हमसे पहले गुज़रे हैं अगर इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो उनके लिए जो है वो कितना मुश्किल था नमाज़ पढ़ना, उन पर इतनी पाबंदियाँ थी, मसाजिद में जाने से पाबंदियाँ थी। अल्लाह ने हम पे कितने एहसान किए कि हम लोग अपने घरों में पर्दे के साथ इज़्ज़त के साथ हमारी औरतें हम लोग घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और फिर भी हम इसमें लापरवाही करते हैं। ये कहना कि गर्मी है या सर्दी है, इन चीज़ों को जो है हम लोग अपना वो बना लेते हैं वतीरा और ये कह देते हैं जी बड़ा ये मौसम इस तरह से है, पानी नहीं है, मतलब बहुत से बहाने हैं। और उन लोगों का क्या था जो सारी इतने मजालिम का शिकार होने के बाद भी अल्लाह की जो है ना वो हम तो सना करने के लिए रुका नहीं करते थे, फिर भी करते थे। हमारे लिए तो अल्लाह ने बड़ी बेशुमार नेमतें बेशुमार आसानियां, हम अपने घरों में एसीयों के अंदर नमाज़ पढ़ने से भी आ रही हैं और वो लोग जो तपती सहराओं में अल्लाह का ज़िक्र करते थे, असल तो मुसलमान वो थे। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको सच्चा मुसलमान बनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम लोगों को नमाज़ पढ़ने की, अल्लाह का ज़िक्र करने की, अल्लाह से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। ये चीज़ें बस जो मैं सोच रही थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्यूवर्स। और ये जो है वो साथ साथ कुछ रूटीन्स थी। तो बस थकी टूटी जब मैं किचन से बाहर आती हूँ ना तो अंदर आके सोचती हूँ कि अब थोड़ी देर जो है मैं रेस्ट करूँगी, तो अंदर आके जब कमरे की हालत देखती हूँ ना तो यकीन करें इतना मुझे ना गुस्सा आता है कि हर चीज़ बिखरी होती है और ज़्यादातर तो इनके खिलौने जो है ना वो चलते भी पैरों के नीचे आते हैं और वो इतनी कोई समझें कि एनाइंग मोमेंट होती है ना, ऊपर से गर्मी और ऊपर से इनके ये चोंचले जो है ना वो बड़ा तंग करते हैं।
तो बस आप लोग भी सब जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो नमाज़ अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बनाए और अल्लाह पता नहीं कितनी आसानियाँ हमारे लिए करेंगे। और फिर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास दुआएँ करें, ख़ास किस्म की दुआएँ करें कि अल्लाह ताला उन पर अपना फजलो करम फरमाए। ये सिलसिला आज का नहीं है, फ़लस्तीन, गज़ा और ये दीगर ममालिक जो हैं, कश्मीर, ये आज का, ये जंगे रोज़े अव्वल से मेरा ख्याल है चलती आ रही हैं और बड़ी पुरानी जंगे हैं और ये कब से मुसलमान इनको झेल रहे हैं। अल्लाह ताला क़यामत की ये भी निशानी है कि क़यामत से पहले जो है पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी और इंशाल्लाह होगी, कभी ना कभी जो है वो वक्त आएगा। जितने भी जुल्म करने वाले अनासर हैं, जितने भी ये लोग हैं, अल्लाह ताला ज़रूर एक दिन इनकी पकड़ करेंगे। और साथ साथ जी गर्मी है तो फिर सोचा मैंने कि चले कुछ रायता, कुछ दही, फुलकी वगैरह बना लेती हूँ, तो मैं वो बना रही थी। गर्मियों में बस यही अच्छा लगता है कि बंदा कुछ फुलका ले ले, हल्का फुल्का सा, और साथ ये, और फिर मैं ये खा रही थी। और जो है ना, बस व्यूवर्स, आज का व्लॉग यहाँ तक, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे जो है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और सब जो है वो अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार पड़े इस गर्मी में, और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो है वो दुआएं करें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।